नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का उपमा। आप लोग ये वीडियो पूरा देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। पहले मैंने कढ़ाई ले लिया है और गरम होने रखा है, थोड़ा गरम हो जाए कढ़ाई। अभी मैं इसमें डालूँगी सूजी। सूजी को बहुत ही धीरे धीरे भूनना है। और इस टाइम आपको स्लोली करना है, गैस को सिम करके रखना होगा, क्योंकि सूजी आपका ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अभी मैं इसमें डालूंगी वाइट ऑयल, थोड़ा सा डाला है। जब तक ये ऑयल एब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक आपको सूजी को भूनना है। आप ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल से बनाया। सूजी भूनने का टाइम थोड़ा आपको टाइम लगेगा दोस्तों। इस टाइम हड़बड़ी करने से सूजी जल भी सकता है और थोड़ा लाल भी हो सकता है, लेकिन सूजी को लाल नहीं करना है। उपमा में सूजी को एकदम एकदम मीडियम कलर रखना है। देखिए दोस्तों, सूजी का दाना पूरा कड़क हो चुका है। अभी इस टाइम इसको साइड कर देंगे। अभी कढ़ाई में देंगे थोड़ा सा ऑयल। लगभग बड़े चम्मच का एक चम्मच। इसमें डालेंगे थोड़ा सा उड़द की दाल। इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है। इससे थोड़ा खुशबू अच्छा आता है, इसलिए मैंने डाला है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसको देख के ही बनाया जाए। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा मास्टर सीड। सीड को थोड़ा भूनना है जब तक ना वो फट जाए, नहीं तो फ्लेवर नहीं आएगा। अभी इसके ऊपर डालेंगे कड़ी पत्ता। मैंने दो हरी मिर्ची इसको बारीक काट लिया है। आप आपके टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। अभी मैंने गाजर डाल दिया है बारीक कटा हुआ। अभी मैं बारीक कटा हुआ बीन्स डाल दूंगी।
अभी मैं दोस्तों ये सब्जी को थोड़ा साइड करके ऐसा प्याज बारीक कट लिया है उसको डाल देंगे। मैंने पहले प्याज नहीं दिया इसलिए क्योंकि प्याज में पानी निकलता है, इसलिए मैंने थोड़ा बाद दिया है। आप चाहे तो पहले डाल सकते हैं। मटर अब इसके अंदर डाल देंगे पानी। मैंने इस कटोरी का एक कटोरी लिए थे सूजी, तो इसी हिसाब से तीन कटोरी पानी देंगे। जितना आप सूजी लेंगे उसका डबल पानी। नमक स्वाद अनुसार। अभी गैस को मीडियम करके सब्जी को थोड़ा पकने देंगे 2 से 4 मिनट। देखिए दोस्तों 5 मिनट हो गया है। सब्जी हो चुका है। अभी धीरे धीरे इसमें डालेंगे सूजी। बहुत ही धीरे धीरे आपको सूजी डालना है, नहीं तो लम्स बन सकता है। गैस को सिम करके ही आपको करना है, नहीं तो पूरा पानी सूख जाएगा और सूजी भी आपको ठीक से पकेगा नहीं। देखिए इसको धीरे धीरे चलाना है और पूरा पानी इसके अंदर सूख जाए। तभी आपको उपमा पूरा खिला खिला रहेगा। अभी इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा घी। घी देने से फ्लेवर अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्ट लगता है। थोड़ा सा ही घी डालेंगे। अभी घी को पूरा उपमा के साथ मेल्ट कर लेना है। बहुत ही अच्छा खुशबू निकल रहा है। इस विंटर में ज़रूर बनाइए, नाश्ते में बहुत ही अच्छा है, हेल्दी भी है, टेस्टी है। लोग घर में जरूर ट्राई कीजिए। अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी और सर्व करके आपको दिखाऊंगी।
देखिए दोस्तों, मेरा सूजी का उपमा बन के रेडी हो गया है और कितना अच्छा हो गया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।